हमारा हुक्म है, तुम कहीं नहीं जाओगे। तलवार उठा बाजे। ये शोक मनाने का समय नहीं है बाजी, ये कर्म करने का समय है। कर्म कर बाजी। यदि अब तुमने अपनी तलवार नहीं उठाई तो ना अपनी मां को बचा पाओगे, ना अपनी मातृभूमि को। तेरी सेना तुझे पुकार रही है बाजी, तेरी मिट्टी तुझे पुकार रही है। तलवार उठा बाजी। जी अद्वित्य, असली शिक्षा गुरु नहीं प्रतिद्वंदी सिखाता है। यानी हमने तुम्हारे लिए वो सशक्त प्रतिद्वंदी ढूंढ लिया है। तुम्हारा शत्रु तुम पर दया नहीं दिखाएगा बाजी, इसलिए ध्यान द्वंद पर रहे, प्रतिद्वंदी पर नहीं। बाजी चक्र हर लक्ष्य को काटकर ही रुकना चाहिए। यही औकात है तुम मराठियों की, या तो तेरी तरह घुटने टेक दे या तो इसकी तरह अपना सर कटा दे। बालाजी को कोई और मौका दिए बगैर उसकी औलाद का सर कलम कर दो। Yeah.
बनारस ए अहवाल यह है कि यहाँ पंजाब में सिखों ने बड़ी जबरदस्त बगावत फैला रखी है। ये बालाजी आखिर चीज क्या है? तो तू इस खिलौने से खेलना सीख ही गया ना रे बाजी, मगर अभी भी तू इस खेल में नौसिखिया ही है और आज ये खेल तेरी मौत के साथ ही खत्म होगा रे बाजी। मैंने यहां आने से पहले अपनी आई को वचन दिया था कि मैं सदा मृत्यु से दो कदम आगे रहूंगा और मैं अपने माँ और मातृभूमि को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ता। तू चाहे आकाश पाताल एक कर दे पर आज मुझे मार नहीं पाएगा। आज इस रणभूमि में तेरा अहंकार मरेगा, अपने बल पर तेरा घमंड मरेगा। आज तुझे समझ आएगा कि युद्ध सैन्य बल से नहीं मनोबल से जीते जाते हैं। हारी हुई बाजी जीतने के लिए बालाजी नासिर को कब्जे में लेना चाहता है? आज हम उस सारी शिकस्त का इंतकाम लेंगे रे बाजी जो हमें तेरी वजह से मिली है। हमारे सीने में बदले की आग चल रही है और मेरे सीने में स्वराज की मशाल। आग तो हम दोनों के ही सीने में, पर फर्क है कि बदले की आग जिसके सीने में होती है वो उसे ही राग बना देती है और स्वराज की आग रास्ता दिखाती है। हमें मेरे बाबा पर किए गए वार के लिए हम मराठी कुछ लेते नहीं और लेते हैं तो सूट समेत लौटा देते हैं।
राजे। बादशाह सलामत। लगता है बादशाह सलामत आराम फरमा रहे हैं। दरवाजा तोड़ दीजिए। सुना नहीं तुम लोगों ने, जल्दी करो। बादशाह सलामत, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? बोलिए ना बादशाह सलामत, बादशाह सलामत बोलिए। अब्बास, बादशाह सलामत। अब्बास बोलिए ना, अब्बास बोलिए ना, अब्बास। जो आदमी सारी जिंदगी तलवारों से लड़ता रहा, उसे तो तलवार से मरना चाहिए ना। पूरी जिंदगी आप लोगों से खौफ जदा करके जीते रहे, उसी खौफ ने आपको मार डाला। बहादुर, इस सल्तनत के लिए आपने अपने भाइयों को मारा, अपने वालिद को कैद किया, लाशों पे लाशें गिराई, साहू जी को सालों भर कैद किया, लेकिन आप ये भूल गए बाजू कि मरते वक्त सल्तनत नहीं, नेकी साथ आती है। हिंदुस्तान का शहंशाह अकेले कमरे में ही मर गए। बे औलाद फकीर भी इतना तना नहीं होता बहादुर। उठिए ना बहादुर, बोलिए ना बहादुर, बोलिए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस बाजी ने हमारे नासिर का खून बहाया है, उसके बाप को उसी के खून से ना नहलाया, तो हमारा नाम भी कमरुद्दीन खान नहीं है। यही मौका है हमारे सबसे जांबाज सिपाहियों को भेजो और खत्म कर दो उन मराठियों को। Thank you.
जानते हैं कि टूटने से बचने के लिए वृक्ष आंधियों के समक्ष झुक जाते हैं, और आंधी के गुजर जाने के बाद हम आपको फिर से सीना ताने सीधा खड़ा देखेंगे।